Hello everyone, in this video lecture of microprocessor, I am going to discuss how we can calculate or how we can find the status of flags of flag register in 8085 microprocessor. तो मैंने यहाँ पर दो examples लिए हैं, ये दोनों ही examples subtraction के हैं. Now अब हम देखते हैं कि in case of subtraction हमें कैसे flags calculate करते हैं, ठीक है. Into this program, first line is MBI A05 means कि after execution of this instruction, content of accumulator क्या होगा 05H, ठीक है. अगर हम इसे binary में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, 4 times 0 for 0, 5 को क्या लिखेंगे 0101, ठीक. Now after execution of this line, what is the value of register B? Register B का जो content होगा वो होगा 07H. इसको हम binary में क्या लिखेंगे 0000111, ठीक है. Now अब हमारा instruction क्या है, subtract B का means है it will perform, subtract करेगा content of B को from the content of A, and after that जो भी result आएगा वो जाके कहाँ save होगा, in accumulator, ठीक. But in case of computer system or microprocessor, कभी भी subtraction जो perform होता है वो subtraction में ना perform होके वो in form of addition perform होता है. Means कि basically perform होगा content of A plus minus B, ठीक है. और ये जो minus B है, this is the 2's complement of B, ठीक है. तो now हम इसका 2's complement लेते हैं, तो content of B is 07, जिसको हम क्या लिखेंगे 0000111. Now 2's complement of 07 is equal to minus 07 will be 2's complement, means last digit will be same, क्योंकि this is 1, इसके बाद all bits को हम opposite ले लेंगे, ठीक है. This is direct method. अगर आपको ones को लेके फिर निकालना है तो उसके लिए क्या होता है, 07 को हमने क्या लिखा 0000111, इसका ones क्या हो जाएगा 1111100001, ऐड किया तो हमें इसका 2's कॉम्प्लीमेंट मिलेगा 0 + 1 1 0 0 1 1 1 1 1. तो दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू बोथ इज सेम. ये मेरा डायरेक्ट मेथड था फॉर फाइंडिंग द 2's कॉम्प्लीमेंट. यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले 1's लिया, देन 1 ऐड किया, देन अब मुझे 2's मिला, ठीक है. तो आइदर यू कैन यूज़ दिस मैथड और यू कैन यूज़ दिस मैथड, ठीक. नाउ अब हमें माइनस 07 की वैल्यू मिल गई. अब हम इसके साथ एक एक कंटेंट को मीन्स की 5 को ऐड करेंगे 0000001, ठीक. नाउ अब हम ऐड करते हैं 1 + 1 0 कैरी 1001 1011 1011 1011 1011 1011, ठीक है. नाउ अब हम यहाँ पे फ्लैग्स लिखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस एस एफ साइन फ्लैग इज इक्वल टू दिस बिट, मींस की 1. जेड फ्लैग क्या होगा, यहाँ पर सारी बिट्स 0 नहीं हैं, बहुत सारे नंबर बहुत सारे 1 हैं, दैट्स वाई जेड एफ की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है. नाउ ऑक्सिलरी कैरी, इस बिट से इस बिट पर कैरी ट्रांसफ़र नहीं हुई, मींस की लोअर निबल से अपर निबल पर कैरी ट्रांसफ़र नहीं हुई, दैट्स वाई ए सी की वैल्यू क्या होगी 0. नाउ पैरिटी फ्लैग, नंबर ऑफ वंस 1 2 3 4 5 6 7 7 है, मीन्स ऑड क्या होगी 0. नाउ कैरी फ्लैग, कैरी फ्लैग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. नाउ यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ कैरी जनरेट नहीं हुई, बट जब भी हम सब्ट्रैक्शन का केस देखते हैं, इफ़ वी आर परफॉर्मिंग ए माइनस बी, ठीक है, एंड ए इज ग्रेटर देन बी, देन सी एफ विल बी 0. इफ वी आर परफॉर्मिंग ए माइनस बी एंड ए इज लेस देन बी, देन सी एफ विल बी 1. बिकॉज हम लेस से जब ग्रेटर नंबर को माइनस करेंगे तो बोरो रिक्वायर्ड होती है, उस केस में सी एफ की वैल्यू 1 होती है. तो इन दिस केस ए की वैल्यू क्या है 5, बी की वैल्यू क्या है 7, तो ये वाली कंडीशन हो गई दिस कंडीशन, दैट्स वाई सी एफ की वैल्यू क्या हो गई 1. नाउ वॉट इज द कंटेंट ऑफ फ्लैग रजिस्टर, कंटेंट
ये हमारा फ्लैग रजिस्टर 8 बिट का। अब मैं सारे फ्लैग्स लिख लेती हूँ, साइन फ्लैग, जेड फ्लैग, डोंट केयर, देन ऑक्सिलरी कैरी, डोंट केयर, पैरिटी फ्लैग, डोंट केयर एंड कैरी फ्लैग। नाउ वैल्यूज पुट करते हैं, साइन फ्लैग इज़ 1, जेड फ्लैग इज़ 0, डोंट केयर को हम 0 लेंगे, ए सी इज़ 0 एंड डोंट केयर को हम 0 लेंगे, पी एफ इज़ 0, डोंट केयर इज़ 0, सी एफ की वैल्यू है 1। मीन्स कि वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ फ्लैग रजिस्टर, अगर हम इन चारों को कम्बाइन करें तो दिस इज़ 8, यहाँ से यहाँ तक 8 एंड दिस इज़ 1, 81H इज़ द कंटेंट ऑफ फ्लैग रजिस्टर। ठीक है, नाउ वन मोर एग्जाम्पल, इन दिस केस जो कंटेंट ऑफ ए था दैट वॉज लेस देन बी। अब वन मोर केस, जब ए की वैल्यू ग्रेटर होगी उस केस में। फॉर दिस प्रोग्राम आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लाइन ए कंटेंट ऑफ ए इज 23, बाइनरी में क्या होगा 0 0 1 0 0 0 1 1। नाउ आफ्टर दिस कंटेंट ऑफ बी इज 20, मीन्स वैल्यू क्या होगी 0 0 1 0 0 0 0 0। ठीक, नाउ वी आर परफॉर्मिंग ए माइनस बी। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा वो जाएगा कहाँ, इन एक्यूमुलेटर। नाउ जब हम ए माइनस बी परफॉर्म करेंगे, बेसिकली वी परफॉर्म ए प्लस माइनस बी, मीन्स कि दिस इज टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है, नाउ जो बी की वैल्यू है दैट इज 20 एंड 20 को हम क्या लिखते हैं, बेसिकली दिस इज प्लस 20, बाइनरी में क्या होगा, ये बाइनरी में क्या होगा 0 0 1 0 0 0 0 0 एंड माइनस 20। मैं डायरेक्टली टूज कॉम्प्लीमेंट ले लेती हूँ, बैक साइड से देखा फर्स्ट वन यहाँ है, टिल देन ऑल बिट्स विल बी सेम, आफ्टर दैट रिवर्स। ठीक है, नाउ ऐड, ये हो गया हमारा माइनस 20। ठीक है, नाउ अब हम इससे ऐड करना है विद द कंटेंट ऑफ ए, कंटेंट ऑफ ए क्या है 23, वैल्यू क्या होगी 23 की 0 0 1 0 0 0 1 1। ठीक है, अब हम इनको ऐड करते हैं, 0 और 1 से 1 0 1 से 1 0 0 से 0 0 0 से 0 0 0 से 0 1 1 से 0 कैरी आई, 1 1 से 0 कैरी आई, 0 एंड 1। दिस कैरी अगर आती है तो दिस कैरी विल बी डिस्कार्डेड इन केस ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट, तो व्हाट इज द रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट, रिजल्ट इज 03H। ठीक है, नाउ अब हमें फाइंड आउट करने हैं फ्लैग्स, तो साइन फ्लैग एस एफ इज इक्वल टू दिस बिट मीन्स 0, जेड एफ देयर इज 2 1 दैट्स वाई जेड एफ की वैल्यू क्या होगी 0, ए सी लोअर निबल से अपर निबल पर कैरी ट्रांसफर नहीं हुई दैट्स वाई ए सी विल बी 0। नाउ पी एफ पैरिटी फ्लैग 1 2 देयर इज 2 1 और दिस इज इवन नंबर दैट्स वाई पी एफ विल बी 1। नाउ क्या आती है कैरी फ्लैग, कैरी फ्लैग के केस में मैंने जो केस बताया था, इफ ए माइन वी आर परफॉर्मिंग ए माइनस बी एंड ए इज ग्रेटर देन बी देन सी एफ विल बी 0। तो इन दिस केस ए इज ग्रेटर देन बी दैट्स वाई सी एफ की वैल्यू क्या होगी 0। नाउ कंटेंट ऑफ फ्लैग रजिस्टर, नाउ कंटेंट ऑफ फ्लैग रजिस्टर एस एफ इज 0, जेड एफ इज 0, डोंट केयर इज 0, ए सी इज 0, डोंट केयर इज 0, पी एफ इज 1, डोंट केयर इज 0, सी एफ इज 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लैग रजिस्टर, यहाँ से क्या आएगा 0, यहाँ से क्या आएगा 4, मीन्स कि 04H। नाउ वन मोर थिंग, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज द पी एस डब्ल्यू, तो पी एस डब्ल्यू इज बेसिकली एक्यूमुलेटर प्लस फ्लैग रजिस्टर। तो इन दैट केस पी एस डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या होगा दिस वन, मीन्स कि 03
एंड फ्लैग की क्या होगी वैल्यू, दिस वन 04. तो दिस इज द कंटेंट ऑफ PSW. थैंक यू सो मच. स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.